नमस्कार, 3N न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं रौनक संतोष पारे। बात करेंगे राकेश टिकैत को लेकर के, बात करेंगे आज 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा को लेकर के। फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि आज किसानों की महापंचायत हुई है मुजफ्फरनगर में। साथ में क्राइम ब्रांच ने राकेश टिकैत से, उनके साथ में 6 अन्य किसान नेताओं से पूछताछ के लिए उन्हें क्राइम ब्रांच आने के लिए कहा है। हालांकि आगे क्या अपडेट रहेगी ये तो वक्त बताएगा, साथ में हम भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल वर्तमान स्थिति यह है कि गाजीपुर के पास में किसानों की भीड़ वापस से जमा होना शुरू हो चुकी है। आखिर क्या कारण इसके हैं भीड़ के इकट्ठा होने के, साथ में क्या अपडेट आगे रहता है, फिलहाल उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 26 जनवरी को देखी गई प्रदर्शनकारी किसानों की हरकत के बाद उन पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने घटना को अंजाम दिया है उसे देखकर लगता है कि वह किसान थे ही नहीं। घटना के बाद पूरा देश किसानों के विरुद्ध है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि विपक्ष में बैठे किसान नेता सरकार की हर चाल का जवाब अपने शिवास्त्र से दे रहे हैं। जहां एक और सरकार के आदेश के बाद कई किसान नेता आंदोलन से हाथ खींच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने नकली आंसू और आत्महत्या की धमकी से घर जाते मासूम किसानों का रुख वापस केंद्र की ओर करवा दिया है। इसका उदाहरण हम जिंद में किसानों के समर्थन में 2 घंटे जिंद चंडीगढ़ हाईवे को ब्लॉक कर धरने से लगा सकते हैं। वहां मौजूद एक किसान ने कहा कि यह प्रतीकात्मक धरना है। अगर गाजीपुर में किसानों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई होती है तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही कहा कि कंडीला खाप के सदस्य गांव वालों के साथ मिलकर के रणनीति तय कर शुक्रवार को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। नहीं होगा, ये देश का किसान ये 5 लाख ट्रैक्टर लेके जाए, मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने में, नहीं छोड़ने को, ये फिर भी वापसी होंगे, टिकैत के घड़ियाली आंसू को देख करके एक बार फिर उनके समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पर किसान एकजुट होकर के जय जवान जय किसान और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। साथ ही आज मुजफ्फरपुर में महापंचायत भी होनी है। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, तो वहीं पीएससी को वहां से लौटा भी दिया गया है। हम यह दावा तो नहीं कर सकते कि वह आंसू घड़ियाली है या फिर असली, क्योंकि 26 जनवरी की घटना को शक और सोचने पर यह मजबूर कर दिया है कि अगर किसान ऐसी हिंसा कर सकते हैं तो दूसरों की तो बात ही क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, 3N न्यूज़ नेटवर्क।